सर नमस्कार, मैं नीरज श्रीवास्तव तोर्रा पिपरी सोनभद्र से फिर से आपके पास सामने एक ऐसे छोटे जीव को लेके आ रहा हूँ जो कि देखने में छोटा है लेकिन इसका विशाल रूप इतना बड़ा भी होता है कि एक इंसान को भी ख़त्म कर सकता है। देखने में बहुत छोटा है लेकिन समय के साथ ये इतना बड़ा हो जाता है कि किसी एक इंसान को आराम से ख़त्म कर सकता है। हाँ, कभी कभी ऐसा भी होता है कि ज़रूरत पर लोग उसको सोचते हैं बड़ा बच्चा है, देख लेते हैं, लेकिन देखने की कोशिश मत कीजिएगा, नहीं तो आपको देखने वाले तो लोग रहेंगे लेकिन आप देखने के लिए नहीं रहेंगे। बहुत छोटा है और सुंदर सा प्यारा सा चीज़ है, अगर देखना हो तो मैं आपको दिखाता हूँ, बहुत अच्छी चीज़ है। कभी भी इसको हाथ न लगाएं, कभी भी इससे खेलने की कोशिश न करें। अगर खेलने या पकड़ने या उसको किसी भी प्रकार की आप प्रताड़ना करने की कोशिश किए तो आप खुद स्वयं इतना प्रताड़ित हो जाएंगे कि शायद आपको बचाने के लिए डॉक्टरों की भीड़ लगे और आपको डॉक्टर भी न संभाल सके। तो फिर आपके लिए बहुत सारे ऐसे घाट हमारे प्रदेश में बने हुए हैं जहाँ पे आराम की नींद मिलती है। चलिए आपको दिखाते हैं एक छोटा सा। यह है वो कोबरा जिसको आप बोतल के अंदर में देख रहे हैं, लेकिन एक छोटा सा अहम सा है, ये न्यूरोटॉक्सिन जहर का होता है। इसको लोग सोचते हैं कि छोटा सा बच्चा है लेकिन ये सबका चच्चा होता है और कभी भी इसको आप हाथ से लगाने का प्रयास मत कीजिए। आपको इसकी कर्तव्य, अब मैं इसको बोतल खोल के दिखाता हूँ किस तरह के ये करते हैं। आइए बाहर आइए। ये आप देख रहे होंगे कि एक छोटा सा कोबरा कितना एक्टिव है और काफ़ी तेज है, और ये अगर पा जाए तो हम लोगों को भी किसी तरह का भी एंटीबायोटिक बेनम मिलना ज़रूरी नहीं है कि ये मिल जाए। ये देखिए आप देख रहे होंगे कितना छोटा सा है लेकिन ये बहुत ही खतरनाक है और कभी भी आप इनके साथ खेलने का प्यार व्यवहार मत निभाइएगा। ये जब डर जाते हैं तो अपनी बीट जो कि बहुत ही गंदी महक होती है ये छोड़ते हैं, क्योंकि कोई भी जानवर इनको छोटे से खाने की कोशिश करता है, और अपने बचाव में ये या तो जहर न्यूरोटॉक्सिन के असर में करते हैं या फिर कोई पकड़ लिया तो ये बीट करते हैं जिससे गंदी महक से आदमी छोड़ देता है। जो कि ये दिखने में तो बहुत ही छोटे हैं लेकिन आप समझ सकते हैं कि ये कितना कुछ कर सकता है। ये देख रहे हैं, ये देखिए, और ये इस तरह से इतना खड़े हो जाते हैं। कभी भी अगर आपको लगे कि ऐसा चीज़ रखना चाहिए तो ऐसी गलती कभी मत करिएगा। इसको कोबरा कहते हैं, ये नाजा नाजा प्रजाति में माने जाने कोबराओं में सबसे छोटेपन पे हैं। इनको इनकी प्रजाति नाजा नाजा होती है, और जितने भी आपको फन वाले सांप दिखते हैं उसमें लोग कोई दुधिया सांप, कोई फनिका, कोई गेहुआ नाग, कोई कुछ कहता है, लेकिन ये एक ही इनकी जाति होती, वो है नाजा नाजा। और ये कभी भी किसी को भी कहीं से भी काटने में कोई परेशानी नहीं करते हैं। बड़े सांपों में होता है कि वो कभी भी जहर किसी को छोड़ते हैं तो थोड़ा सा हल्की बाइट करते हैं, लेकिन ये अब्बा नहीं बड़े अब्बा हैं जो काट लिए तो पूरा का पूरा जहर आपके शरीर में काट कर झोंक देंगे, और इसके बाद वो डॉक्टर आपको बचाने में कितना एक्सपर्ट हो सकता है ये मुझे नहीं मालूम है। हाँ, प्रयास ये करता हूँ कि आप कभी इन सांपों से कोई भी खिलवाड़ करने की कोशिश मत करिएगा। ये देख रहे हैं जितना तेज ये अपने एंगल को ये उठाते हैं ये उतने दूर तक छटक के ये काट सकते हैं। कोई भी सांप अपने फल को जब ये इतना ज़्यादा उठाता है तो इतने दूर तक वो मारता है उनको, और ये कहीं से भी किसी भी चीज़ों को हिलते हुए देखते हैं, और आप देख सकते हैं कि किस तरह से ये है।
किसी के घर में वीडियो इसलिए नहीं बना पाते हैं क्योंकि वहाँ पर छोटे छोटे बच्चों का प्रकरण ज़्यादा रहता है, और इस तरह का वीडियो और इनकी जानकारी इसलिए हम लोग अपनी जगह पर बनाते हैं कि आपको अच्छी तरह से जानकारी दे सके और इनके साथ आपका मिलन करा सके कि जिससे कि आप इनको समझ सके कि पर्यावरण में इनके लिए बहुत ही ज़रूरी है। अगर ये रहेंगे तो हमारे लिए बहुत सारी चीज़ें हैं जो अच्छी बनी रहेगी। अगर आपको इनके बारे में कभी भी जानने की प्रयत्न करना होगा तो आप हमारा मोबाइल नंबर, आप देख रहे होंगे कि ये छोटा सा सांप है, इसका वीडियो इसलिए आपको दे रहे हैं कि जिससे आप छोटा समझकर कभी इस पे हाथ ना उठाएं, क्योंकि इनकी बदबू बहुत तेज़ होती है, बहुत दूर तक जाती है, बहुत से लोग आपके घर मिलने आ सकते हैं, चाय नाश्ता भी कर सकते हो सकता है, चाय नाश्ते के लिए जगह भी ना छोड़ें। फ़िलहाल में इतना काफ़ी है, और मेरा मोबाइल नंबर 7379485391 है। आप सभी देखने वाले व्यूअर से एक ही एक हमारा रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल को लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब तीनों चीज़ करें, जिससे कि हमको अपने गलती या कोई भी चीज़ हमारे में दिक्कत होती हो, जिससे कि आपको देखने में लगे कि मैं ख़राब कर रहा हूँ या अच्छा कर रहा हूँ, उसका कमेंट जरूर करिएगा। और हम इसको अब रखते हैं, फिर आपको नए वीडियो के साथ फिर वापस लौटेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद। आप देख रहे होंगे कि ये कितना एक्टिव है, जो कि बोतल के अंदर जाने के लिए नहीं तैयार है, लेकिन ये देखिए, आप देखते हैं ना इसकी एक्टिवेशन कितना ज़्यादा है। ये अक्सर काले चीज़ को देखकर ज़्यादा भड़के रहते हैं और सफ़ेद की ओर ज़्यादा कम से दिखाएंगे। अरे रुको भाई, इसके फन से अगर बचे रहेंगे तो सही है, अगर फन थोड़ा सा भी छुआ गया तो आपके लिए बहुत सारा नुकसानदेह हो सकता है। कभी भी आप किसी एक्सपर्ट को बुलाकर ही काम करवाएं, ऐसे व्यक्ति को ना बुलाएं जिसको न मालूम हो, और मालूम चले तब तक आपका बहुत ज़्यादा नुकसान हो चुका हो। और कभी भी इन सांपों से खिलवाड़ मत करिएगा और ना इसको मारिएगा, क्योंकि सेव नेचर और सेव स्नेक, इसी नाम से मैंने चैनल बनाया, जिससे सांप और जंगल दोनों को हम और आप मिलकर इसको सुरक्षित रखें, जिससे हमारा पर्यावरण अगर सुरक्षित रहेगा तो हमको पानी, भोजन और शुद्ध हवाओं की कमी नहीं होगी। बस निवेदन हमारा इतना ही है, हम ज़्यादा कुछ नहीं कहेंगे। तब तक आप समझदार हैं, फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ। नमस्कार, मोबाइल नंबर फिर से बता देता हूँ, 7379485391 है। नमस्कार, जय हिंद।